हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे किशु टीवी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ब्रेजा VXi। आज मैं इसकी बात करूँगा जो इसमें MID आती है, मल्टी इंफॉर्मेशन, उसकी बात करेंगे कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है और वो हमें माइलेज, स्पीडोमीटर या टैकोमीटर और क्या क्या उसमें देखने के लिए हमें मिलता है। तो MID के थ्रू हम टाइम कैसे सेट कर सकते हैं, डोर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ऐसे सिक्योरिटी फीचर भी हैं जो मैं अंदर चल के आपको बताऊंगा। तो चलिए गाड़ी के अंदर। ये दोस्तों, ये है ब्रेजा VXi की MID डिस्प्ले। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और बीच में मिल जाती है छोटी सी डिस्प्ले। इसमें आपको मल्टी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये फ्यूल का है, जो राइट हैंड साइड में है वो टेम्परेचर का है, और जो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा ये इंजन का साइन बना हुआ है, ये व्हील का साइन बना हुआ है और ये बैटरी का साइन है। उसके नीचे आपको टाइम टाइम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, टेम्परेचर मिल जाती है, यहाँ नीचे किलोमीटर मिल जाते हैं। किलोमीटर जैसे अभी अभी ट्रिप ए ट्रिप बी मैंने वो जीरो कर रखी है, अभी टोटल किलोमीटर कितनी चल गई वो मैं दिखा देता हूँ। 1501 किलोमीटर चल चुकी है। जो राइट नोब है उससे क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट नोब है जो, उससे आपको एवरेज पता लगता है, जैसे 15.8 की दिखा रहा है अभी एवरेज, और ये रेंज दिखा रहा है कि 600 किलोमीटर अभी गाड़ी और चल सकती है। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे मेरे को अभी 9:17 हो गए, लेकिन टाइम एक्चुअली क्या हो गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाइम हो गया है 5:18 लगा लो, 5:18 हो गए, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है डिस्प्ले में 9:17। अगर मेरे को सेट करना है तो क्या करना है, जो ये दोनों नोब है ना, लेफ्ट नोब और राइट नोब, इनको दोनों को इकट्ठा दबाना है। जैसे प्रेस किया मैंने तो वो बिलिंग होने लगा, आवर्स का जो 9 है वो बिलिंग करने लगा। अभी जैसे मेरे को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो वो इंक्रीज होता जाएगा, अगर मैं एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो वो डिक्रीज होता जाएगा। अभी ये देखिए मैं एंटी क्लॉक घुमा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 5 बजाना है। तो ये देखिए 8, 7, 6 एंड 5 ऐसे ही मेंट का है। जैसे इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये मेंट बिलिंग करने लगी। अगर जैसे ही मैं मेंट मान लो इंक्रीज करना चाहूंगा या डिक्रीज करना चाहूंगा तो उसी हिसाब से मैं कर सकता हूं। अब जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो क्लॉकवाइज घुमाया 19 हो गया, एंटी क्लॉक घुमाया तो 18 हो गया। अभी 18 ही छोड़ देते हैं, 18 हो गया। तो ऐसे हम टाइम सेट कर सकते हैं। राइट नोब को हम दबा के रखेंगे थोड़ी देर, अभी मैं दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने कुछ सेकंड के लिए राइट नॉब दबाई तो भी ऑप्शन आ गया क्लॉक का। अभी हमें क्लॉक की कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो यही इसको हम अगर एंट्री करना है तो एक बार प्रेस करेंगे। ये जैसे प्रेस हो गया, ये क्लॉक लिखा हुआ है 12 आवर्स। अगर हमें 12 आवर्स पे सेट, देखो ये SEL लिखा हुआ है, SEL का मतलब है कि ये सिलेक्ट है। अगर हमें 24 आवर्स करना है तो इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे, ये क्लॉक वाइज हो गया। अगर इसको सिलेक्ट करना होगा तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हमें वापस 12 क्लॉक पे आना है तो ये देखिए एंटी क्लॉक घुमाया तो ये 12 पे आ गया, और इसको हम सक्सेस करने के लिए हमने एक बार प्रेस कर दिया, ये सक्सेस लिखा आ गया। अगर हमें इसके अलावा कोई और फीचर देखना है, इसमें बहुत सारे फीचर हैं, अभी मैं आगे ले चलता हूँ आपको। क्लॉक से आगे अगर मैं इसको क्लॉक वाइज घुमाऊंगा, ये देखिए ये आ गया डोर का ऑप्शन। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे डोर का कोई भी ऑप्शन अगर हमें सेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए क्या करना है, जैसे डोर में एंट्री करने के लिए हम राइट नॉब का यूज करेंगे, इसको एक बार राइट नॉब को प्रेस करेंगे। ये देखिए जैसे D1 है, अब D1 के अंदर हम घुसेंगे, D1 के अंदर एंट्री करेंगे तो फिर हमने क्या करना है, इसका इसका ये जो नॉब है राइट नॉब है उसको एक बार प्रेस करेंगे, और इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये देखिए ये D2 आ गया, ये D3 आ गया, D4 इसमें होता नहीं है, D5 आ गया। अब एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो वही सेम सेटिंग सेम आ जाएंगे। तो D1 का क्या मतलब है, D1 का मैं आपको ये देखिए दोस्तों, D1 SL1 है। अगर हम इसको ये देखिए सिलेक्ट हो रखा है, सक्सेस हो रखा है। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो सारे के सारे दरवाजे एक साथ अनलॉक हो जाएंगे। अभी मैं आपको बाहर से जाके दिखाऊंगा कि ये जो SL1 है जो, वो कैसे काम करता है, मेरे सारे दरवाजे लॉक या अनलॉक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर जाके, इसको मैं सक्सेस कर लेता हूँ।
ये सक्सेस हो गया है। अभी चलते हैं बार और मैं दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा D1SL2 की सेटिंग, उससे क्या होता है। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने D1SL1 की सेटिंग को सक्सेस कर दिया है। तो अभी मैं देखता हूँ कि मैं गाड़ी को अनलॉक या लॉक करूँगा तो सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे चाबी है, मैं लॉक कर रहा हूँ, ये जैसे मैंने लॉक कर दिया, अब मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये भी दरवाजा लॉक हो गया और ये भी लॉक हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको अनलॉक करके कि अनलॉक भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब मैंने जैसे अनलॉक किया तो अब ये दरवाजा देखिए, ये दरवाजा तो खुल गया। अब ये दरवाजा भी खुल रहा है या नहीं वो मैं देखता हूँ। ये देखिए, ये भी दरवाजा खुल गया। जो D1SL1 है उसका काम यही है कि आपके सारे दरवाजे लॉक करते ये देखिए दोस्तों, आपने D1 और S जो SL1 की सेटिंग तो आपने देख ली कि लॉक या अनलॉक करने से चारों दरवाजे एक ही बार में लॉक हो जाते हैं और अनलॉक हो जाते हैं, और ये सिलेक्ट भी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको D1SL2 क्या काम करता है। अभी मान लो D1SL2 है, मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ तो इसका काम है कि ओनली जो ड्राइवर साइड का जो दरवाजा है, जो विंडो है, जो खिड़की है, ओनली वही खुलेगी। ओनली जो ये दरवाजा है ड्राइवर साइड का वही खुलेगा, और जो को पैसेंजर है या पैसेंजर बैक दरवाजे हैं वो नहीं खुलेंगे। अभी मैं इसको सक्सेस कर रहा हूँ और ये देखिए सक्सेस हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सही काम करता है या नहीं करता, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चल के कि जो ये अपना D1SL2 जो हमने सेटिंग अभी सिलेक्ट की है उससे जो पिछले दरवाजे हैं ड्राइवर साइड को छोड़ के वो सारे खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने D1SL2 की सेटिंग की है तो उससे क्या होगा कि जो लॉक या अनलॉक करूँगा मैं, जो ये ड्राइवर साइड का जो गेट है वही अनलॉक होगा, जो पीछे के डोर हैं वो अनलॉक नहीं होंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैं लॉक कर रहा हूँ। अब लॉक तो इसमें क्या है कि लॉक तो सारे दरवाजे हो गए, ये देखिए लॉक सारे दरवाजे हो चुके हैं, लेकिन अनलॉक करूंगा तो वो देखते हैं कि अनलॉक करने से कि वो चारों दरवाजे खुलते हैं या नहीं। अब मैं अनलॉक कर रहा हूँ गाड़ी को तो देखते हैं। ये जैसे मैंने अनलॉक किया तो अब ये देखिए ड्राइवर साइड का दरवाजा खुल चुका है, लेकिन तो ये है, ये देखो ये अभी भी लॉक है। ये देखिए दोस्तों, जो SL1 है और SL2 है, SL1 और SL2 में गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक हो रहे हैं, लेकिन अनलॉक सिर्फ SL2 में ओनली ड्राइवर साइड का हो रहा है वो, और जो तीन दरवाजे हैं वो नहीं हो रहे हैं। और जो D1SL1 है उसका मैंने दिखा दिया आपको, उसमें चारों दरवाजे अनलॉक हो रहे हैं। दोस्तों ये है D2 की सेटिंग में अगर एंटर होना है हमने तो ये जो राइट नोब है इसको एक बार प्रेस करेंगे, ये D2SL1 है और ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो SL2 आ गया। इसको सिलेक्ट हो, ये सिलेक्ट ऑलरेडी हो रखा है कंपनी की तरफ से। तो SL2 का मतलब है कि जब गाड़ी चला रहे हो आप और 20 जो स्टार्टिंग जैसे स्टार्ट की है आपने गाड़ी और वो 20 KMPL को छुएगी या 20 KMPL तक जाएगी तो वो अपने आप लॉक हो जाएंगे दरवाजे। अगर हम ये D2SL1 को करते हैं तो उसमें लॉक नहीं हो पाएंगे, उसको हमने मैनुअल करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं, ये सेटिंग हम छेड़ते नहीं, ऐसे ही वो करेंगे इसको। ये यहाँ से हम D2 से बैक निकलते हैं, बैक निकलने के लिए भी सेम है, हमने प्रेस करना है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है और अभी MID बहुत सारे फीचर बैलेंस हैं, मैं जल्दी इसका Part 2 लेकर आपके सामने आऊँगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।